गाइज ऑलराइट वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। गाइज इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों का काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला उस वीडियो पे, तो उस वीडियो से बोल सकते हो कि इंस्पायर्ड होकर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन करके रखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गाइज हमने यहाँ गैलरी के अंदर से इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइज इस फोटो को अब हम सिंपली सेंड पे क्लिक कर देंगे। देन इस फोटो को गाइज हम सबसे पहले ओपन करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि स्नैपसीड ऐप के अंदर मैं फोटो को क्यों ओपन कर रहा हूँ जबकि मैंने आपको बताया कि मैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर करूँगा। तो गाइज स्नैपसीड ऐप के अंदर थोड़ा सा काम आपको करना है, जैसे कि फेस को थोड़ा स्मूथ करना है एंड लाइटिंग की थोड़ी सी सेटअप करनी है, मतलब लाइट को एडजस्ट करनी है। बाकी का सारा ही प्रोसेस गाइज हम पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो गाइज स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको जाना है ट्यून इमेज के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से एम्बियंस को बढ़ा देंगे, लगभग इतना एम्बियंस को बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को कम करेंगे, शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड यहाँ से आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है। अब गाइज आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको जाना है सिलेक्टिव के अंदर एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कुछ इस तरीके से कम कर लेंगे, ठीक है। वैसे सेम प्रोसेस आपको हैंड पे भी करना है, ब्राइटनेस को बढ़ा के सेचुरेशन को कम कर देना है एंड साथ ही साथ स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। वैसे ही गाइज यहाँ पे हम हैंड पे भी सिलेक्शन बनाएंगे एंड यहाँ सेचुरेशन को कम, स्ट्रक्चर को कम, देन यहाँ से डन। तो गाइज अभी आप देख पाओगे कि यह बिफोर ये आफ्टर, मतलब लाइट की हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है, बाकी ज़्यादा कुछ हमने अभी नहीं की है। तो गाइज इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको जाना है पोर्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो मैं पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे हो कि नॉन स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट 1, 2, 3, 4 जो भी हो। तो गाइज यहाँ पे आपको स्मूथ 2 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्मूथ 2 को सिलेक्ट करने के बाद इसकी अमाउंट आपको लगभग रखनी है, यहाँ पे स्किन स्मूथ की आपको अमाउंट रखनी है 75 या 70, ठीक है। ये आपकी फ़ोटो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आई क्लैरिटी की कोई नीड नहीं है तो मैं इसको 0 ही रखता हूँ एंड यहाँ फेस स्पॉटलाइट आप 0 ही रखें, इसे आपको बढ़ाकर नहीं रखना है, ठीक है। तो गाइज अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर लेना है। यहाँ से गाइज पेंसिल वाले आइकॉन पर एक बार और क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइज हम सेलेक्टिव पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा गाइज हमें लग रहा है कि फेस पे थोड़ा सा लाइट देनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के सेचुरेशन को कम कर रहा हूँ। वैसे आपको इस हैंड पे भी कर लेना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, सेचुरेशन कम एंड स्ट्रक्चर कम, ठीक है। वैसे ये हैंड क्यों छोट रहा है भाई। सेम प्रोसेस गाइज आपको सब सारे के ऊपर करना है, मतलब पूरे स्किन के ऊपर, देन यहाँ से आपको डन कर लेना है। अब गाइज क्या करना है, आपको सिंपली इस फोटो को सेंड पे क्लिक कर देना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक कर देना है एंड गाइज अब इस फोटो को अब हम ओपन करेंगे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, ठीक है। तो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे गाइज आपको साइज को सेट कर लेना है, यहाँ से सेट साइज पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे गाइज पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है इफेक्ट्स के अंदर। आपको जाना है यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है आपको कलर्स के अंदर। कलर्स के अंदर जाने के बाद आपको कोलोराइज को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोलोराइज का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइज अब आपको यहाँ से इरेजर पे क्लिक कर देना है। इरेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे बैकग्राउंड, पर्सन, फेस, हेयर, हेड। तो गाइज यहाँ पे आप ये वाला इफेक्ट, मतलब जो आप कलर का इफेक्ट देख रहे हो, ये तो आप बैकग्राउंड में देना चाहते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे गाइज जैसे ही आप क्लिक करोगे ये देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा इफेक्ट जो है बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे छूट गया है, मतलब कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए और नहीं हुआ है, तो ये आप इन दोनों की मदद से कर सकते हो। यहाँ पर रीस्टोर है और इरेस है, तो मैं सबसे पहले रीस्टोर को सिलेक्ट करता हूँ एंड थोड़ा सा जूम करता हूँ फोटो को। देख पा रहे हो गाइज कि यहाँ थोड़ा ग्रीन ग्रीन अभी भी है, तो ऐसे रीस्टोर वाले ब्रश को हम चला देंगे। आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड का कलर में ये पूरा मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो
तो वैसे गाइज आपको पूरा इसको चला लेना है। मैं इसको कुछ इस तरीके से चला लेता हूँ, ठीक है। ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑटोमेटिक का काम ऑटोमेटिक की तरह ही होता है, ठीक है, उतना प्रोफेशनली काम नहीं हो पाता है। तो आपको अपने से फ़ोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको चला लेने हैं। जहाँ जहाँ भी आपको नीड हो वहाँ आप इजीली चला सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा आपको कोई भी दिमाग ख़राब होने वाली काम नहीं है, आपको इतना कर लेना है गाइज। अब आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। अब इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको मेन काम रह गया है, वो है बैकग्राउंड में ब्लर डालना। तो बैकग्राउंड में ब्लर डालना भी काफ़ी ईजी हो गया है पिक्सा टाइप के अंदर। सिंपली गाइज आपको जाना है इफेक्ट्स के अंदर एंड यहाँ पे गाइज आपको ब्लर पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको ब्लर के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ब्लर पे क्लिक कर देना है। अब गाइज आपको इस इरेजर वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ भी अगर आप ब्लर का इफेक्ट बैकग्राउंड में देना चाहते हो तो सिंपली आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा इफेक्ट आपकी फ़ोटो के बैकग्राउंड पे हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। अब आपको यहाँ से इरेजर लेना है। अब फोटो को जूम करना है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर ये भी ब्लर हो गया है तो सिंपली आपको यहाँ से इरेजर की हेल्प से इरेज कर लेना है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी है गाइज, ये आप इजीली कर पाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इरेज भी करना काफ़ी आसान हो गया गाइज पिक्सआर्ट की वजह से। अब गाइज यहाँ पर सिंपली आपको डन कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपको ब्लर पर क्लिक करना है, थोड़ी सी इसकी फेड को बढ़ा देंगे लगभग इतना एंड यहाँ से डन कर लेंगे। तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब गाइज आपको यहाँ से एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको एक लाइट की PNG ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं लाइट की PNG को ऐड कर लेता हूँ। क्या है, अब आपको यहाँ से जाना है ब्लेंड के अंदर, देन इसे आपको स्क्रीन कर देना है। अब फोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से एंड इसको कुछ ऐसे लगा देना है जैसे कि यहाँ से लगे कि यहाँ से फ़ोटो के ऊपर लाइट आ रही है, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ से इसके आपको क्या करना है, ओपेसिटी को कम कर देना है, ठीक है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को लगभग इतना रख रहा हूँ, देन आपको सिंपली यहाँ से डन कर लेने हैं, ठीक है। तो गाइज ये वाली लाइट की PNG अगर आपको ना मिले बैकग्राउंड के लिंक में, तो अगर आपको येलो वाली लाइट की PNG मिले तो सिंपली आपको उसका सेचुरेशन कम कर देना है, वो आपको ऐसे ही वाइट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत डाउनलोड करने में या कोई भी चीज़ में हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के व्यूज अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन है गाइज, आपकी सपोर्ट की अभी बहुत नीड है हमें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।